नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जून दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में अब नक्शा पास कराना होगा आसान। शिक्षक बहाली को लेकर नियोजित शिक्षकों ने किया ऐलान। मनोज वाजपेयी ने बताया संन्यास लेने के बाद क्या करेंगे। स्टंटबाजी के खिलाफ एक्शन में बिहार सरकार। ईशान किशन ने दलित ट्रॉफी में खेलने से किया इनकार। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएचपीसी में 388 पदों पर भर्ती। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जूनियर इंजीनियर, पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लेखाकार, हिंदी अनुवादक के 388 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से पदानुसार मैट्रिकुलेशन, ITI, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट NHPCIndia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। बिहार में अब नक्शा पास कराना होगा आसान। बहुत जल्दी अब राज्य में नक्शा पास कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निबंधित टाउन प्लानर, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सुपरवाइजर और आर्किटेक्ट की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें उनका स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और निबंधन संख्या आदि का विवरण है। इसके साथ ही भवन निर्माण करने वाले बिल्डरों को भी निबंधित कर दिया गया है और उनका पूरा विवरण जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब नक्शा पास कराने के काम में तेजी आएगी और साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। बता दें कि विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वास्तुविद, इंजीनियर, टाउन प्लानर और भवन निर्माता के द्वारा राज्य के शहरी निकाय और आयोजना क्षेत्र में संशोधित बिल्डिंग बायलाज का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करते हुए दंड दिया जाएगा। मालूम हो कि सभी तकनीकी कर्मियों का निबंधन 5 वर्ष के लिए किया गया है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अशोक धाम के बारे में। अशोक धाम लखीसराय जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। इस मंदिर को इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। मंदिर में आपको प्राचीन मंदिर के परिसर भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर प्राचीन मूर्तियां भी रखी गई है। इस मंदिर का उद्घाटन गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है और शांति मिलती है। मंदिर का शिखर बहुत सुंदर है। मंदिर का शिखर सफेद रंग का है और शिखर में विभिन्न देवी देवताओं और सुंदर नकाशी की गई है। यहाँ पर सावन, सोमवार और महाशिवरात्रि के समय बहुत सारे लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग की खोज एक लड़के के द्वारा की गई थी, जिसका नाम अशोक था, इसलिए इस मंदिर को अशोक धाम के नाम से जाना जाता है। इस वजह से ध्वस्त हुआ सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल। कई स्तर पर अलग अलग विशेषज्ञों से जांच कराए जाने के बाद अब इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि किस वजह से अगवानी घाट ब्रिज गिरा है। दरअसल IIT रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा लगातार 4-5 दिनों तक किए गए जांच में आरंभिक तौर पर यह बात सामने आई है कि पुल के डिजाइन में ही गड़बड़ी थी। वहीं इनके अलावा पुल निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ के द्वारा भी पुल की जाँच की गई, जिसके आरंभिक तौर पर भी पुल के डिजाइन में गड़बड़ी की बात सामने आई है। ऐसे में अब पथ निर्माण विभाग के द्वारा मोटे तौर पर यह तय कर लिया गया है कि IIT रुड़की और पुल निर्माण क्षेत्र के रिपोर्ट के आधार पर ही नए सिरे से पुल के निर्माण की शुरुआत की जाएगी। वहीं विभाग की ओर से पुल के निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब अब तक कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। मनोज वाजपेयी ने बताया संन्यास लेने के बाद क्या करेंगे। बिहार के लाल और बॉलीवुड के स्टार मनोज वाजपेयी होटल मौर्या में फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है के प्रमोशन के लिए आयोजित हुए प्रीमियर में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आगे चलकर वह कभी फिल्मों से संन्यास लेते हैं तो वह अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि वह हमेशा यह बात कहेंगे कि वह राजनीति से हमेशा दूर रहेंगे और आज भी यही बात दोहरा रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने पटना की मशहूर पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली नाच की दुकान पर चाय भी पिया। इस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पटना की मशहूर पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली नाच की दुकान पर खड़ा हूं। इनकी चाय अब काफी मशहूर हो चुकी है और साथ ही युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई है। ऐसे में हम अपनी तरह से इनको धन्यवाद और सम्मानित करने आए थे। अग्निवीर शारीरिक दक्षता की जांच प्रक्रिया आज से जारी हुआ पूरा कार्यक्रम।
बिहार के मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में आज यानी कि 16 जून से अग्निवीर शारीरिक दक्षता की जांच प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वहीं अब पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पहले दिन यानी कि आज अग्निवीर क्लर्क व SKT, दूसरे दिन यानी कि 17 जून को अग्निवीर टेक्निकल और तीसरे दिन यानी कि 18 जून को अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं के लिए प्रक्रिया होगी। वहीं 19 से 23 जून तक युवा के द्वारा अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए 1600 मीटर की दौड़ को पूरा करेंगे। इसके बाद कागजात की जांच की जाएगी और मेडिकल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जो कि 28 जून तक चलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड यानी ARO के अधीन मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण आते हैं। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के तारीख की रेलवे ने की घोषणा। अगर आप भी पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंतजार में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि रेलवे की ओर से इस ट्रेन के उद्घाटन की तारीख की घोषणा कर दी गई है। दरअसल रेलवे के द्वारा बताया गया कि आगामी 26 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन तरीके से एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिसमें से एक वंदे भारत ट्रेन पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। बता दें कि PM मोदी के द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद इसका नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PM मोदी के द्वारा पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा अन्य जिन 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, वह भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, गोवा मुंबई और बेंगलुरु हुबली है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रेम शंकर झा के बारे में। प्रेम शंकर झा एक भारतीय अर्थशास्त्री, पत्रकार और लेखक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक और भारत के प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार के रूप में काम किया है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में संपादकीय पदों पर कार्य किया। वह तहलका पत्रिका के स्तंभकार भी हैं। प्रेम शंकर झा सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और जैसे कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। 1985 से 1987 में वे विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के ऊर्जा पैनल के सदस्य भी थे, जिसकी अध्यक्षता ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड कर रहे थे। सीएम नीतीश के सुरक्षा घेरे में घुसने वाले गिरफ्तार बाइकर्स का खुलासा। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉर्निंग वॉक के दौरान उनके सुरक्षा घेरे में घुसने वाले गिरफ्तार बाइकर्स का खुलासा कर दिया गया है। बता दें कि पटना SSP राजीव मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये दोनों गिरफ्तार बाइकर्स चैन स्नैचर हैं और दोनों मसौरी इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिन सुबह को दोनों गिरफ्तार बाइक सवार के द्वारा बोरिंग रोड स्थित वर्मा सेंटर के पास मॉर्निंग वॉक करने आई महिला से चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं फरार होने के क्रम में अपराधी सीएम के सुरक्षा घेरा में घुस गए। इनके साथ इनका एक तीसरा साथी भी है, जो फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। VTR में अभी बंद नहीं होगा जंगल सफारी। अगर आप भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ VTR घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि मॉनसून में देर के कारण हर साल की तरह इस साल 15 जून को VTR में अभी जंगल सफारी बंद नहीं होगा। वाल्मीकि नगर रेंजर अवधेश कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी बरसात नहीं हुई है, जिस वजह से जंगल सफारी तक पहुंचने वाला रास्ता बारिश के कारण खराब नहीं हुआ है। ऐसे में अगर अभी बारिश नहीं होती है, तो जंगल सफारी को एक सप्ताह तक और चलाने का योजना बनाया गया है। वहीं अगर बारिश हो जाती है, तो समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल 1 नवंबर से जंगल सफारी की शुरुआत हो जाती है और 15 जून को बंद हो जाता है। शिक्षक बहाली को लेकर नियोजित शिक्षकों ने किया ऐलान। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीते दिन से शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक नियोजित शिक्षकों के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर किया जा रहा विरोध जारी है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षक संघ की हुई बैठक में यह ऐलान किया गया है कि अब नियोजित शिक्षकों के द्वारा न तो BPSC का फॉर्म भरा जाएगा और न ही परीक्षा में बैठा जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। मालूम हो कि अब इस मामले को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की जाएगी। मालूम हो कि पहली बार होगा जब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीचर बहाली की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा भागलपुर प्रशासन। बिहार के भागलपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर भागलपुर प्रशासन के द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश पर सुल्तानगंज के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के द्वारा कावड़िया पथ पर बिहार सरकार की जमीन पर दुकानदारों के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर मुक्त कर दिया गया है। इस दौरान अंचलाधिकारी अमित राज के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर कावड़ियों की सुविधा को लेकर कच्चे पथ को
दुकानदारों से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और साथ ही कांवड़ियों पथ पर पालू बिछाने का काम भी किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बिहार के कई जिलों में आज लू चलने की संभावना। बिहार में मॉनसून का प्रवेश हो गया है लेकिन अरब सागर में उठे चक्रवात बीपर जॉय ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। चक्रवात की वजह से मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया है, इस कारण यह आगे नहीं जा पा रहा। इस वजह से बिहार में भी दो तरह का मौसम नजर आ रहा है, उत्तर और पूर्वी इलाके में जहां बारिश हो रही वहां दक्षिण और पश्चिम हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन पटना समेत कई जिलों में हीट वेव के हालात बरकरार रहने की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी मॉनसून सीमांचल में ठहरा हुआ है, इसके असर से उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश संबंधी गतिविधियां हो रही है। बता दें कि आईएमडी बिहार के अनुसार आज गया, औरंगाबाद, नवादा, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, पटना, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान के एक या दो स्थानों में उसल लहर की संभावना जताई गई है। वहीं सुपौल, अररिया और किशनगंज के एक दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। इंटर नामांकन में 4,828 स्कूल कॉलेजों ने नहीं भेजी बैंक खाते की जानकारी। बिहार बोर्ड की ओर से एक सूची जारी की गई है जिसमें बिहार के 4,828 स्कूल कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने इंटर दाखिले में बैंक खाते की जानकारी नहीं दी या फिर गलत ब्यौरा भेज दिया है। ऐसे में बोर्ड की ओर से बैंक खाते की जानकारी नहीं दी या फिर गलत ब्यौरा से छात्रों द्वारा दाखिला लेने के बाद राशि वापस नहीं की जाएगी। वहीं बोर्ड की ओर से सूची जारी कर सभी स्कूल और कॉलेज को बैंक खातों के विवरण में सुधार करने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि सुधार किए जाने के बाद ही इन स्कूल और कॉलेजों के खातों में राशि वापस की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी किए गए सूची में सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण से 348 और मुजफ्फरपुर से 344 कॉलेज और स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बैंक खाता की जानकारी नहीं दी या गलत दी है। फेसबुक को बंद करने की हाईकोर्ट से मिली सख्त चेतावनी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ के द्वारा कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली कविता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक को सख्त चेतावनी दे दी गई है। बेंच ने फेसबुक को निर्देश दिया है कि वे जरूरी जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने एक हफ्ते में पेश करे। इसके साथ ही अदालत के द्वारा यह भी मांग की गई है कि केंद्र सरकार सऊदी में एक भारतीय नागरिक की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान करे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सीलबंद रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित नागरिक के आसपास की परिस्थितियों का खुलासा करते हुए एक बयान भी प्रस्तुत करने को कहा है। सिपाही के महिला कांस्टेबल को थप्पड़ मारने पर हुआ निलंबित। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने भोजपुर के कोइलवर थाना की महिला कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले सिपाही चालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाइन क्लोज कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी बताया गया कि चालक सिपाही का एक अन्य महिला सिपाही को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे। जांच के दौरान वीडियो में देखा गया कि सिपाही चालक ने महिला सिपाही कर्मी को थप्पड़ मारा है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही लाइन क्लोज कर दिया गया। दोषी सिपाही चालक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। बता दें किसी मामले को लेकर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के सत्यापन को लेकर जब पुलिस वहां आई तो पुलिस की मौजूद लोगों के साथ नोकझोंक हो गई। फिर पुलिस ने एक पक्ष के लोगों को ही हिरासत में लेकर जाने लगी। ऐसा देख मौजूद परिजनों ने इसका विरोध किया और वहां इस घटना का वीडियो बना रहे लोगों का पुलिस ने मोबाइल छीना और उन्हें जेल में डालने की धमकी भी दी। इन घटना को देखते ही जब एक महिला कांस्टेबल ने पुलिस की गाड़ी को रोकने को कहा तो सिपाही ने उसे थप्पड़ लगा दिए। स्टंटबाजी के खिलाफ एक्शन में बिहार सरकार। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई घटना के बाद बिहार सरकार अब सड़कों पर गाड़ियां लेकर स्टंट करने वालों पर नकेल कसने के मोड में आ गई है। बता दें कि परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा सख्त लहजे में स्टंटबाजी को चेतावनी देते हुए कहा दिया गया है कि सड़क आम लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है। ऐसे में सड़क नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टंट करने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसकी मदद से इन बाइकर्स की पहचान की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब गाड़ियों से स्टंट करने वालों को संभल कर रहने की जरूरत है। एनएमसी ने एज क्राइटेरिया में किया बड़ा बदलाव। नीट यूजी 2023 के परीक्षा का परिणाम बीते मंगलवार को निकल चुका है। वहीं अब एनएमसी यानी कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा पुराने एज क्राइटेरिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बता दें किए गए इस बदलाव के तहत अब वैसे स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल की हो जाती है वह नीट यूजी 2024 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह नियम था कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 31 जनवरी 2024 तक 17 साल
हल्की हो जाती है। ऐसे में अब इस नियम में NMC के द्वारा बदलाव करते हुए बच्चों को पुराने नियम के अनुसार 11 माह की छूट दी गई है। इसके साथ ही अब टाई ब्रेकिंग नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अगर स्टूडेंट के कुल अंक समान होते हैं पर फिजिक्स सब्जेक्ट में अधिक अंक प्राप्त होता है तो उन्हें बेहतर रैंक दिए जाएंगे, और अगर फिर भी टाई हो जाता है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंकों के आधार पर टाई को ब्रेक किया जाएगा। बेटी कात्यायनी का पासपोर्ट बनवाने में जुटे तेजस्वी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों पहले बेटी कात्यायनी के पासपोर्ट के लिए आसियाना रोड स्थित पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे थे। वहीं एक बार फिर बीते दिन मौर्यालोक स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे और दस्तावेज जमा किए और बेटी के पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पूरी की। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि बच्ची का पहचान पत्र के साथ पासपोर्ट के लिए आवेदन करना था, साथ ही अभी प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। इसके बाद तेजस्वी यादव मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में पान खाने पहुंचे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जब तेजस्वी यादव आसियाना रोड स्थित पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे थे तो उस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी राजश्री देवी और उनकी बेटी कात्यायनी भी मौजूद थी, लेकिन बीते दिन वे अकेले ही मौर्यालोक स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर कसा तंज। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर आए दिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा का है ही क्या, वो लोग तो जैसे तालाब में मछली ढूंढते हैं वैसे यहाँ नेता खोज रहे हैं ताकि उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट है वो तो है ही, इसके इतर राज्य में भाजपा का ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके नाम पर उन लोगों को 5 वोट भी मिल सकते हैं। बताइए बिहार के किस भाजपा नेता के नाम पर 5 वोट भी मिल सकते हैं। इससे पहले बिहार में भाजपा के जो अध्यक्ष थे वे जब दूसरे दल से लड़े तो उनको सिर्फ 6,000 वोट मिले। अभी हाल ही में जब विधान परिषद के सदस्य के चुनाव हुए उनमें भाजपा के 5 सांसदों ने अपना पूरा जोर लगाया तब जाकर 495 वोट मिल पाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम नीतीश के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान। केंद्र सरकार के द्वारा गठित 22वें विधि आयोग के द्वारा समान नागरिक संहिता पर सभी से विचार विमर्श और राय मांगने शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के द्वारा ABP से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ऐसा चाहेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए तो लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा से जनता के हित में काम करते हैं और उनके हित को देखते हुए ही कोई कदम उठाते हैं। वैसे पहले जब चुनाव में जीत मिली थी तो उस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाया गया था। अब जब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो इस मुद्दे को उठाया जा रहा। नीतीश कुमार का देश को इंतजार है, पूरा देश चाहता है कि नीतीश दिल्ली में बैठे और देश के विकास के लिए काम करे जैसे बिहार के लिए हुआ। वे सभी विपक्ष को एकजुट भी कर रहे। बीजेपी संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहती। ईशान किशन ने दलित ट्रॉफी में खेलने से किया इनकार। 28 जून से आयोजित होने वाला भारत का घरेलू टूर्नामेंट दलित ट्रॉफी को खेलने से ईशान किशन के द्वारा इनकार कर दिया गया है। बता दें कि यह टूर्नामेंट 16 जुलाई तक चलने वाली है। ऐसे में ईशान किशन के पास ईस्ट जोन की कप्तानी करने का मौका था, लेकिन अब टीम की कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन संभालेंगे। बता दें कि PTI के रिपोर्ट के अनुसार ईस्ट जोन चयन समिति के सदस्य के द्वारा कहा गया कि जब उन्होंने जोनल चयन समिति के संयोजक देवाशीष चक्रवर्ती से पूछा था कि किशन का चयन करेंगे, चयनकर्ता ने कहा कि भारतीय सीमित ओवर टीम का हिस्सा होने के नाते ईशान किशन को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जाती। देवाशीष चक्रवर्ती फोन पर किशन से संपर्क में थे और उन्होंने बताया कि ईशान किशन की दलित ट्रॉफी में खेलने की दिलचस्पी नहीं है। हमें नहीं बताया गया कि वो चोटिल हैं कि नहीं, बस यही पता चला कि वो खेल नहीं रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को 1606 को लाहौर पाकिस्तान में भयंकर यातना देकर मार डाला गया। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुरार की लड़ाई 1858 में लड़ी गई। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 1983 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त मंत्रालय का एक पैनल पेट्रोलियम ईंधनों पर बिक्री कर में कटौती पर 2008 को सहमत हुआ। स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल CM पुनाचा का जन्म 1910 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खान का जन्म 1920 में हुआ। हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का जन्म 1920 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत का जन्म 1956 में हुआ। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि एक अधिसूचना
http://b.sc.ke लिए समान स्थिति का प्रस्ताव जारी है। नर्सिंग उम्मीदवार उन्हें MBBS और जूनियर डॉक्टरों के समक्ष नर्सिंग अधिकारी मानते हैं। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह नोटिफिकेशन फर्जी है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने यह नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। व्हाट्सएप पर भी अब इंस्टाग्राम की तरह मिलेगा मल्टी अकाउंट सपोर्ट। मीटा व्हाट्सएप में मल्टी अकाउंट फीचर लाने जा रहा है, जिसके बाद लोग एक ही समय पर कई अकाउंट्स को लॉगिन कर पाएंगे। ये फीचर ठीक इंस्टाग्राम की तरह होगा। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के मुताबिक कंपनी मल्टी अकाउंट फीचर पर काम कर रही है, जो यूजर्स को अपने दूसरे अकाउंट को ऐप पर लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। दूसरे अकाउंट को पहली बार लॉगिन करते वक्त आपको सभी डिटेल्स डालनी होगी, लेकिन एक बार जब ये लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आप आसानी से दो अकाउंट के बीच एक टैप में स्विच कर पाएंगे। WA Beta Info के मुताबिक उन्होंने ये डेवलपमेंट व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर देखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट करेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, कमलेश शर्मा, विशाल जॉय, माइकल, मिट्ठू कुमार, मुट्टू रंगीला, बद्री कुमार, विवेक कुमार, सरवजीत सिंह, कुश कुमार यादव, मोहम्मद इरफान, PK पासवान, प्रयाग सिंह, सदुल्लाह पलवी, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार गलत तरीके से किए जाने वाले स्टंटबाजी के खिलाफ सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।